अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे हैं हमारे अकाबरीन के कीमती मलफूजात। ध्यान के साथ सुनिए और पूरा सुनिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जब हम सारा दिन कामकाज करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फौरन नींद आ जाती है, या फिर लेटकर अपने मोबाइल फोन में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होती है और हम वो रात बेचैनी और बेसुकूनी में गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोए, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं ना, तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता बिठाता है जो बुरे कामों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर लफ्ज एक मौजिजा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयत ऐसी भी है जो अपने अंदर मौजूद खास खास आयत की वजह से एक अहम मुकाम रखती है, और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिससे अल्लाह ताला की उलूहियत का आला और बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी बिना पर आयतुल कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत की मौजूदगी के मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हमें किस पर नेमतें नाजिल की है, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ जिंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह की उन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं वहुवल अलीयुल अजीम, और वही है सबसे बुलंद और अजमत वाला, तो हम उसकी असीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं, और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमत और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में है कि आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम इसको पढ़ते हैं, घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफर में, किसी मुश्किल में या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मानी से हम नावाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की जमानत है। जो शख्स इसको सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक अल्लाह की हिफाजत अमान में रहता है। रिवायत में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नुजूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रिवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मुझे तीन नूर दिखाए गए, पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी का नूर है, दूसरा सूरह यासीन का है, और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाल के जवाब के मुताबिक सवाल किया तो अल्लाह ने कहा जो इसके पढ़ने वाला होगा वो मेरी जरूर ज़ियारत करेगा, ख्वाह एक बार ही तिलावत की हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असर अंदाज नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इब्तिदा अल्लाह के दो खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यु अल कय्यूम, यानी वह जात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली है और सबको संभालने वाली है। अब हैरत अंगेज बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के दो नाम आए हैं जो इस तरह है, और वही सबसे बुलंद अजमत वाला है। और इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है न उसको ऊंघ आती है न नींद,
तमाम मखलूकात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाती है, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर रह नहीं सकते। नींद मौत की एक खूबसूरत शक्ल है, इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो जात और जमाना, मकान का हाकिम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल चौकस अपनी मखलूक के हर हर चीज से बाखबर है। इस आयत के आठवें जुमले में देखे कि अल्लाह क्या फरमा रहा है और उसे जमीन आसमान की हिफाजत करने में नींद तक नहीं है। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इसके आठवें जुमले के साथ कनेक्टेड है, जिसमें अल्लाह यही फरमाता है कि नींद और आराम उसकी पैदा करदा मखलूक के लिए है और अल्लाह न सोता है न उसे ऊंग आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है जो आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, सब कुछ उसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें दो नामों को समझना होगा, एक है मालिक और दूसरा है मलिक। मालिक का मतलब है ओनर और मलिक कहते हैं बादशाह को। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, मलकियत चीजों की होती है जबकि बादशाहत लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह फरमाता है जो आसमान में है जो कुछ जमीन में है सब कुछ उसी का है, यानी हर वो चीज का जो उसने पैदा किया वो मालिक है। अब इस आयत के सातवें जुमले में अल्लाह फरमाता है उसकी कुर्सी सब आसमान और जमीनों पर हावी है। जब अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब ये है कि वो अपनी बादशाहत की हर बात कर रहा है, इसलिए अल्लाह मालिक भी है और मलिक भी है। फिर चौथे जुमले में अल्लाह का इरशाद है, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में फरमाता है और वह उसके इल्म में किसी भी शहर का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वह चाहता है। अब चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुसल्लम है, यानी पहला जुमला और जुमला नंबर 9, दूसरा और आठवां जुमला, तीसरा और सातवां जुमला और चौथा और छठा जुमला एक दूसरे से मुसल्लम है, एक है। बाकी कौन सा जुमला रह जाता है तो वो जुमला है नंबर 5, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह जानता है जो उनसे पहले हो चुका है और जो उनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और ज्यादा बाद जो कुछ भी अल्लाह ने बयान फरमाया उसके बारे में इस पांचवें जुमले में फरमाया कि वह सब जानता है और उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अब बस अल्लाह के सिवा ऐसा कौन कह सकता है। बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज है, इसकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम समझकर पढ़ने वाला, इस आयत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।